Hey guys, assalamu alaikum. This is me called Fatima. Welcome back to my YouTube channel. I hope aap sab log theek thaak fit paate honge. Alhamdulillah, Allah pak ka shukr, main bilkul theek. So aap log sochoge ki kaval fit paye nikal gaye. Ye suti ji Lahore blogger ban gaye. seriously, main suti ji Lahore blogger ban gayi kyunki bhai jaake outing karna, vlogging banana, main soch rahi hu ki jaisa ban jaun seriously, aur mujhe bahut achhi lagti hai. And main Lahore mein bahut zyada jagah ghumi, bahut zyada, aur bahut zyada se vlogs hain jo maine edit nahi ki aur bane mein voice over karna hai. Bas inshaAllah taala koshish karti hu ki sab mein na voice over karke na chhaap dun. वो मतलब इन्हें जल्दी से बना दूँ क्योंकि मोस्टली ना मैंने बहुत ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका था और मैंने बिल्कुल नहीं बनाया. और सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड थी कि मेरे हाथ भी ना कका 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 किरण होने लगा, कका कका समझ जाओ. बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ लाहौर की ठंड से, क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ. बचपन मेरा यहीं गुजरा और मैं रूम में कराची हूँ तो मुझे लाहौर की ठंड सीरियसली बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही थी. बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी. और मैं जा रही मिनाल. मिनाल का बहुत अच्छा व्यू था. बच्चों ने बोला था कि खाला इधर चलना है, काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे. तो हमने कहा मिनाल में ऐसा है क्या, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा था. और हमने क्या नाम है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, आई थिंक फर्स्ट टाइम ही देखा क्योंकि 4 ईयर्स पहले मैंने नहीं देखा, क्योंकि जब भी आई हूँ मैं घर के अंदर ही होती हूँ. लेकिन ज़फ़ा बहुत अच्छा इंजॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सीरियसली. और शादी तो मैं कहूँगी, शादी तो मैंने फुल और इन्जॉय किया क्योंकि कह सकते हैं क्योंकि पहली शादी थी जो मैं अटेंड कर रही थी. तो मैंने वो नहीं पैसा आजम अक्कल आजम, तो वो मैंने बहुत इन्जॉय किया सीरियसली. क्योंकि मेरे भाई की शादी थी तो मैंने बहुत 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 मज़ा आया सीरियसली शादी, क्योंकि गुजरांवाला जाना, मेहंदी लेके, फिर बारात लेके, सबने रेडी होना, फिर सबने इकट्ठे होना, फिर बारात लेके जाना, फिर मेहंदी लेके जाना. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था. और यहाँ पर हम कज़न्स के साथ आए थे, ये कज़न्स ही, उनके 3 बच्चे थे और ये बड़ा वाला पीस भी उनका ही है. हाँ ये नहीं दूसरा, ये तो कज़न है. और ये लंदन से आया, स्पेशली लंदन से आया था और बहुत मज़ा आया इसके साथ सीरियसली. इसकी उर्दू आप चेक करें ना कि इसकी उर्दू सुन के ही हंसी आती है, लेकिन इसको पंजाबी भी समझ में आ जाती है, उर्दू भी समझ में आ जाती है. और बहुत सीरियसली मज़ा आया. और इसके साथ फ़र्स्ट टाइम मिले थे क्योंकि बचपन में छोटा था, जब बड़ा उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा. बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट, बहुत ही स्वीट. और मेरे मामू का छोटा बेटा है, जो मेरे छोटे मामू हैं उनका छोटा बेटा है. हाँ मेरे छोटे मामू का छोटा बेटा है. एंड उससे अभी मिली नहीं क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मुझे मिला था. बहुत अच्छा लगा है, बहुत क्यूट है. और इसके साथ इतना मज़ा आया कि मेरी बन गई इसके साथ सीरियसली, मेरी बहुत बनी है इसके साथ. और बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पर मीनाल का, बहुत ज़्यादा सीरियसली. और मैं कहूँगी फूड इनका बहुत अच्छा था. और इनकी क्या नाम है, हम आउटडोर बैठे थे लेकिन हमारी ना कुल्फ़ी जम गई थी, तो हमने कहा कुल्फ़ी खाने की क्या ज़रूरत है जब कुल्फ़ी जम गई है. बस लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं लिटरली किरण बोल रही थी सीरियसली. मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो मैं कह रही थी भाई बाहर का क्यों आउटडोर क्यों बैठे हैं, इनडोर ही बैठना चाहिए था. लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया सीरियसली, बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय किया कवल ने. और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स हैं वो भी एडिट करने हैं. तो मोबाइल मेरा भरा हुआ और मेरे पास में मोबाइल लिटरली होता नहीं क्योंकि बच्चों ने कभी गेम खेलनी होती थी, कभी बच्चों ने वीडियो बनानी होती थी, बच्चों के पास ही होता है. और मेरा बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था लाहौर का, बहुत ज़्यादा. ये मेरी कज़न है और ये एज यूजल मरियम. आपने एक दफ़ा देखा होगा कि मरियम को बहुत ज़्यादा लिया कवल ने, बहुत ज़्यादा लिया, क्योंकि मोस्टली मैं बहुत कम लेती हूँ. एक दफ़ा कवल ने बहुत ज़्यादा लिया मरियम को, भाई ये मरियम है. एंड मेरी कोशिश यही थी, इस दफ़ा सबको ही कज़न को लिया है, इंशाल्लाह ताला सब दिखाऊंगी. बहुत ज़्यादा ब्लॉग हैं जो एडिट नहीं हुए लेकिन सबको ही लिया. इस दफ़ा कवल ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको बस ले लिया. मैं कब आना है भाई, और मैंने किसी को भी मैं दोबारा टेक नहीं लूँगी, मैंने डेक बना लिया. हाँ और यहाँ का मिंट हमने पिया था, बहुत अच्छा था. उन्होंने मिंट हमें सर्व किया था, लेकिन मिंट में ये था ठंडा बहुत था सीरियसली. आइस क्यूब बहुत डाली हुई थी, ऊपर से कुल्फी जमी हुई है, ठंड बहुत है, ऊपर से उन्होंने बहुत ज़्यादा आइस डाली हुई थी. लेकिन इतना उसको ठंडा ना करते तो ज़्यादा और मज़ा आता. लेकिन अगर मुझे मिंट अगर करना हो तो मुझे हवेली का ज़्यादा अच्छा लगा, हवेली का, क्योंकि ये ऐसे ही इन्होंने सर्व किया, वो आपने ऑर्डर किया होता है इसलिए. लेकिन वो ज़्यादा अच्छा था, मुझे हवेली का ज़्यादा अच्छा लगा. यहाँ का मुझे इतना खास नहीं पसंद आया मिंट, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हवेली है ना, तो 10 बजे हवेली हवेली होती है, तो यहाँ का मिंट तो मिंट होता है. लेकिन मुझे हवेली का था. और काफ़ी लोगों ने बोला था कि कवल आप ना खुद को नहीं लेती सीरियसली, बताऊँ क्या होता है, बच्चों के हाथ में होता है कि आनी हम ले लेंगे. तो चलो मैंने कहा ठीक है आप ले लो, वीडियो LD टाइप ना वीडियो अपलोड कर, वीडियो बना लो.
और मोस्टली मेरे पास बहुत ही कम होता है मोबाइल, और मेरे भी ऐसे कभी ले लूँगा अपने आप को भी, और बच्चे मुझे ही लेना भूल जाते हैं, मैं गुस्सा करती यार मुझे तो लो बच्चों, तो वाला सीन था। और हमने ऑर्डर कराई थी कढ़ाई, और लोग सोच रहे कि कवल हर जगह कढ़ाई ही ऑर्डर करा ली, लिटरली मैं फास्ट फूड लवर नहीं हूँ, और मैंने प्लेटर यहाँ पर खाया था, KF का प्लेटर खाया था, सीरियसली बहुत अच्छा था, मैं वही ऑर्डर कराया था, और शर्वरमा भी खाया हुआ मैंने, और दही भल्ले भी खाए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने लाहौर की खाई है, लेकिन कढ़ाई मुझे यहाँ की भी अच्छी लगी और मुझे हवेली की भी ज़्यादा अच्छी लगी, दोनों की बहुत बेस्ट थी, तो लेकिन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट था, दोनों अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट थी। तो मैं नंबर देती हूँ 100/100, 10/10, बहुत अच्छा फूड था, सीरियसली बहुत अच्छा फूड था कि मैं कहूँगी, इतना भी बुरा नहीं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, मुझे लाहौर इतना नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे इतना एक्सपेंसिव लगा, पता नहीं क्यों, नहीं कि मुझे कराची इतना एक्सपेंसिव नहीं लगता फूड एरिया में, या शॉपिंग में, या किसी चीज़ में भी, या आप ऊबर भी करवा रहे हो चीज़ों में, तो लाहौर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बाकी मुझे नहीं पता, नहीं कि मुझे लाहौर ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। और ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया लाहौर को, एंड ये सब दो कज़न, मामा, मैं और मरियम, और ये लंदन से है हमारा कज़न, सीरियसली बहुत कितनी शरारतें इसने की है, इतना इन्जॉय किया कि लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बनाई थी, और कोशिश करूँगी किसी को सेंड करूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नहीं था, मैंने कहा क्या इसकी शरारतें अपलोड करूँ, इसने बहुत ज़्यादा शरारतें की हुई थी, तो मैं इसकी वीडियोज़ भी बनाई थी, तो ये हमारे, हमने कहा चलो हमारी पिक्चर कैप्चर करो, क्योंकि आईफोन आपके पास है, चलो पिक्चर कैप्चर करो, वो हमारी पिक्चर की कैप्चर ही कर रहा था, वो चाह रहा हमारी पिक्चर ही कैप्चर कर रहा था, तो हमने कहा ये ज़रूर सीन होता है, पिक्चर कैप्चर करने वाला वही था। और यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था, कि मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही बड़ा था, कि आप कहेंगे अच्छा था, कि वेटर्स भी बहुत अच्छे थे, व्यू भी बहुत अच्छा था, कि हर चीज़ बेस्ट थी, और बच्चों को दे दिए थे बलून्स, वहाँ पर किसी की बर्थडे पार्टी थी तो बच्चों को दे दिए थे बलून्स, तो बच्चों को जब बलून्स मिल जाते हैं तो वो इधर ना देखते ना उधर देखते हैं, और वो इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ना बाय ना इसलिए क्योंकि बाहर बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो बाहर शोर आता है, इसलिए तो बच्चों को थोड़ा इग्नोर करें, है ना, और वह ये था कि बच्चों को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि बच्चे जहाँ जाते सो जहाँ जाती हूँ बच्चों पीछे 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 पीछे, इसलिए मैं भी कहती हूँ भाई काम वॉइस ओवर करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा लाहौर का, बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और लिटरली 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 सारे कज़नों के साथ बैठे रहे, हमने ब्लॉग को शूट किया, वो किया, फिर चलो वीडियो बन गई। तो मैं बहुत ज़्यादा सब कहते हैं कि भाई फातिमा से पीछे रहो, इसने वीडियो खोल लेनी है, इसने कैमरा खोल देना है तो अब वीडियो बनेगी, तो यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि मोस्टली बाकी सब यूजफुल हैं कि भाई कवर ना वीडियो बना लेती है, लेकिन कज़न्स हो कि भाई अब इससे बचो, इसने अब वीडियो बनानी है, हमें छाप देना है, तो मैंने कहा हाँ मैंने तो वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि मैं जब भी होती है ना कोई भी मूवमेंट होता है, कैमरा ऑन किया, वीडियो बना ली, क्योंकि मोस्टली वो पिक्चर कैप्चर करते हैं, तो मैं कहा मैं पिक्चर कैप्चर नहीं करती, मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ, मेरी अलग मेमरीज हैं कि मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ, कि वीडियो बनाती हूँ, मोस्टली वो होते हैं कि वो भी पिक्चर कैप्चर करो, मैं कह नहीं मैंने वीडियो कैप्चर करनी है, तो इस चीज़ में तरह यूजफुल नहीं होए, ये क्या सीन है, जब भी उठती है कि वीडियो बना लेती है। और ये जो हमारा क्यूट सा नीस है, और बहुत इसको कहीं दिख गया प्ले एरिया, ये जो गुस्सा है भी निकलने का नाम नहीं लिया, और माशाल्लाह से हादी नाम है इसका, ये मेरा क्यूट सा नीस है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, सीरियसली कभी इसकी वीडियो अगर मेरे पास होगी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, इसकी बातें आप सुने तो आप लोग कहेंगे भाई क्या के नीस, हाँ तो बाहर भी अभी अभी भी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, तो बच्चों के पास शोर कर रहे हैं सीरियसली, क्योंकि ये बच्चों का यही सीन रहता है, पीछे 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 ही रहते हैं और शोर करते रहते हैं, अभी चा चा चू चू चा चा चू चू चा चा बच्चों का आता रहता है, तो मैं अवॉइड ही कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मैं अवॉइड ही कर देती हूँ कि बच्चों का शोर आता रहता है, हाँ तो आप लोग भी यूज टूल हो जाओ। अच्छा यहाँ वो सीन था कि 5 ईयर्स से वब जो बच्चा होगा वो दूसरा नहीं होगा, दूसरी जो 5 ईयर्स से वब थी तो उसको तो अंदर एंट्री नहीं थी, उसका जो मुंह बना हुआ था ना देखने वाला था कि भाई हाँ नहीं मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो मैंने कहा वो कहती है मुझे छोटा बना दे, मैंने कहा मैं कैसे छोटा बना सकती हूँ, तो बस ये सीन था। अब हम जा रहे थे क्योंकि ये था आई थिंक 10th फ्लोर पर था, आई थिंक 10th फ्लोर पर बहुत ऊपर था, लेकिन लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे अच्छी लगी, एंड लाहौर को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया, मैं इमरान खान को बोलूँ या नवाज शरीफ को बोलूँ कि बहुत अच्छा चेंज कर दिए, फोर्ट्रेस भी है, पैकेज स्मॉल भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कारफो आपको हर जगह मिलेगा, कराची में इतना नहीं है कारफो, लेकिन आपको पैकेज स्मॉल या क्या नाम है बोनिया मॉल या फोर्ट्रेस हर जगह ना कारफो है,
मैं सीरियसली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर जगह कार्डबोर्ड आने लगा हुआ है, और बहुत अच्छा कर दिया है कि लाहौर में आप अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ जा सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम आ गए थे क्या नाम पे पैकेजेस मॉल में, क्योंकि पैकेजेस मॉल में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि लिटरली ना हमारा था कि हमने थोड़ा डिनर कर लिया तो थोड़ा हम थोड़ा आइसक्रीम वगैरह या शॉपिंग करना, और मैंने शर्ट ली थी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने शॉपिंग की थी ज़्यादा नहीं की, क्योंकि लिटरली मैंने एक अभी जाके एक शर्ट ली थी, क्योंकि मोस्टली मेरा शॉपिंग का ज़्यादा मूड नहीं था, तो मैंने कहा क्या कराची लाहौर से लेके जाना, तो मैंने एक टी शर्ट ही ली थी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड बस ये था कि हमने क्या नाम है वहाँ जाके क्या नाम है आइसक्रीम खाई, बच्चों ने क्या नाम है बच्चों ने क्या नाम है प्ले एरिया में चले गए थे, और क्या नाम है जी जो हमारा क्यूट सा कज़न है लंदन से है, इसने जो प्ले एरिया देखा सिनबाद देखा तो अंदर घुस गया, इसने जो गेम खेली है जॉय किया बस। और ये मेरी नीस है पीछे जो आप लोगों को दिख रही है, मरियम है, मरियम के साथ जो है ये मेरी नीस है, और सीरियसली बहुत मेरी कज़न की बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी और बहुत छोटी थी ये, इसको मैंने इस हाथों में मेरे साथ खेली भी है, बहुत क्यूट थी, और मेरी क्यूट सी नीस है, लग रही है ना देखो मैं खाला भी हूँ गाइस, खाला भी हाँ काला भी बनी हुई हूँ। एंड मैंने रीप को छोड़ा, रही मैं कहा तुझे तो मैं लूँगी, वो कहता ये देखो हर जगह कैमरा ऑन कर लेती है और पकड़ लेती है, तो अब ये सीन है कि ये सारे कज़न ना यूजफुल नहीं हुए कि भाई कवर से तो बच के रहो, फादमा हर जगह मोबाइल पकड़ती है और कैमरा स्टार्ट हो जाता है, तो ये सीन है। अभी मैं इसको कुछ बोल रही हूँ, कहता बस कर दे बस कर दे, मुझे कितना ले गया, मैं कह रही मैं सबको लूँगी, कोशिश मेरी यही थी कि मैं किसी कज़न को छोड़ूँ ना, लेकिन आधे लोग रह ही गए, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं किसी कज़न को ना छोड़ूँ, कि ब्लॉग में हर किसी को ही लूँ। और इसके साथ मैंने इंजॉय किया, ज्वेलन गई ज्वेलन में खेला उसके साथ, हर चीज़ आइसक्रीम खाई वगैरह हर चीज़, और यहाँ पर इन सबको यहाँ पर शरारते कर रहा था कि मैं जूस पी रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं यही अपलोड होगी, तो मैं कहा कोई सेकंड टेक नहीं होगा, यही अपलोड करूँगी मैं, तो कहता कोई था ही नहीं, मतलब बता ही देता है दूसरा भी टेक तीसरा टेक, मैं कहा नहीं वन ही टेक में एक ही वीडियो अपलोड होगी। और ये मामा के साथ गेम खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सीरियसली, और कहता बस क्या हो रहा है पुप्पो मैं हार रहा हूँ, पुप्पो क्या कर रही है क्या हो गया मैं हार रहा हूँ, बहुत अच्छी इसकी उर्दू है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है उर्दू बोलते हुए, और इसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, अब कह रहा था अब तो मैं जा रहा हूँ, तो क्योंकि ये बहुत लेट आया, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ हमारा, क्योंकि ये बहुत लेट आया, कहता है मेरी गलती थी, मेकअप तुम्हारी गलती है क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना इसका, क्योंकि पाकिस्तान में आया है, इसने सारे कज़न्स को देखा, बड़ा खुश हुआ, भाई मारी तो बहुत कज़न है, गाँव बहुत ज़्यादा कज़न है, ये हमारे छोटे मामों का छोटा बेटा है। और मैं ये सीन है हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा, मुझे तो लाहौर बहुत अच्छा लगा। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और कौन कौन पैकेजेस मॉल में गया और मिनाल गया वह ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले क्या, अल्लाह हाफिज़ भी अमान अल्लाह, टेक केयर योरसेल्फ।